तेल से हृदय रोग नहीं होता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल जब नलियों में जमा होता है तभी हार्ट अटैक आता है। तो कोलेस्ट्रॉल तो है नहीं सिंग तेल में, तो वो सिंग तेल के लिए नहीं होता है, मगर आपकी अन्यथा जो आप खाना खाते हैं, जो बाहर का खाना खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं जिसमें ट्रांस फैट होता है, उससे हृदय रोग का जोखिम बढ़ता है। और टोटल मात्रा जो आप खाते हैं तेल की, कोई भी तेल हो या घी हो, उसकी टोटल मात्रा पे भी निर्भर होता है कि आपको हृदय रोग होगा कि नहीं होगा। और ये चर्बी खा के आप कितना यूज करते हो उस पर भी निर्भर रहता है, कितना काम करते हो उस पर भी निर्भर रहता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। डेफिनेटली हमको बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारी आजीविका है ना। हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी उनकी जो कमाई है वो सिंह से है, और यहाँ का जो गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों जो है स्टेट्स इंडिया में, वो हाफ कल्टीवेशन जो उसका 50% गुजरात और आंध्र प्रदेश में होता है। तो गुजरात की जो सॉइल है वो सिंह के लिए बहुत ही सूटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे होता है, तो हमको बचाना ही चाहिए। रीमा राव, मैं राजकोट सदगुरु होम साइंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और एक डायटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन जो हमारा है वो गुजरात चैप्टर की मैं प्रेसिडेंट हूँ।